आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राइमरी कंजनाइटल और डेवलपमेंटल ग्लोकोमा। प्राइमरी कंजनाइटल ग्लोकोमा रिफर्स टू अबनॉर्मली हाई इंट्राओक्युलर प्रेशर रिजल्ट्स ड्यू टू डेवलपमेंटल एनोमली ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ ऑनसेट प्राइमरी कंजनाइटल ग्लोकोमा टर्म्स एज न्यूबॉर्न ग्लोकोमा, इन्फेंटाइल ग्लोकोमा, जुवेनाइल ग्लोकोमा। न्यूबॉर्न ग्लोकोमा इज ट्रू कंजनाइटल ग्लोकोमा इन विच इंट्राओक्युलर प्रेशर रेज्ड इन इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड चाइल्ड इज बॉर्न विद ऑक्युलर इनलार्जमेंट। इन्फेंटाइल ग्लोकोमा यदि चाइल्ड के थर्ड हैप्पी बर्थडे से पहले इंट्राओक्युलर प्रेशर हाई हो जाए तो उसे इन्फेंटाइल कंजनाइटल ग्लोकोमा कहेंगे। और आफ्टर थर्ड हैप्पी बर्थडे इफ इंट्राओक्युलर प्रेशर इज रेज्ड देन इट इज कॉल्ड जुवेनाइल ग्लोकोमा। नाउ पैथोजेनेसिस, इसमें एक टर्म याद रखनी है बस, ट्रेविकुलो डिसजेनेसिस। ट्रेविकुलो डिसजेनेसिस मतलब माल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेविकुलम इंक्लूडिंग विद इरिडो ट्रेविकुलम जंक्शन। विद इरिडो ट्रेविकुलम जंक्शन मतलब आयरिस होगी वो ट्रेविकुलम की सरफेस पे फ्लैट और कॉनकेव डायरेक्ट इंसर्शन करेगी जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिसेज है वो एब्सेंट हो जाएगा। अब इसके नाउ इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स की एक ट्रिक बनाएंगे जिसका आप सभी को सबसे ज़्यादा वेट था। इसके लिए देखो, एक बीपीएल वाला आदमी है तो वो गरीब है, बीपीएल वाला आदमी गरीब है तो एकदम वो पतला है और उसका फेस भी एकदम नीला पड़ा हुआ है, तो थिन एंड ब्लू शकल वाला बीपीएल आदमी डीप मतलब गहरा रेज्ड कॉर्नर वाले कप में पीता है। तो थिन एंड ब्लू शकल वाला बीपीएल आदमी डीप रेज्ड कॉर्नर वाले कप में पीता है। अब क्या पीता है वो, पीता है वो गरीब है तो अपने लंबे मोटे आंसू पीता है। अब हम इनका मतलब समझते हैं। शकल से हो गया स्क्लेरा, तो स्क्लेरा हो जाएगा इसमें थिन एंड ब्लू। बीपीएल इट इज ए क्लासिकल ट्रायड ऑफ कंजनाइटल ग्लोकोमा। बी से हो गया ब्लेफरोस्पाज्म, पी से हो गया फोटोफोबिया, एल से हो गया लैक्रिमेशन। इट इज ए क्लासिकल ट्रायड ऑफ कंजनाइटल ग्लोकोमा। अब इसमें आगे खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है दोस्तों। डीप, डीप क्या हो सकता है, एंटीरियर चैम्बर, तो डीप एंटीरियर चैम्बर हो जाएगा डीप। रेज्ड क्या रेज हो सकता है, तो इंट्राओक्युलर प्रेशर इज रेज्ड हो जाएगा। कॉर्नर से हो गया कॉर्निया, कॉर्निया में तीन थे वो अपने लंबे मोटे आंसू पीता, तो लंबे मतलब इनलार्जमेंट, कॉर्निया कॉर्नियल इनलार्जमेंट मोर देन 13 mm। मोटे मोटे मतलब मोटे हो गए, वो इडीमा आ गई उस पे कॉर्निया पे, इसकी वजह से वो मोटे हो गए तो कॉर्नियल इडीमा हो जाएगी। इट इज फर्स्ट प्राइमरी सस्पिशन ऑफ प्राइमरी कंजनाइटल ग्लोकोमा। अब आंसू, आंसू मतलब टीयर हो गए, तो डेस्मेसेट मेम्ब्रेन में टीयर मिलेंगे उसकी में। अब कप है तो कप हो गए वो किस में बनती है, ऑप्टिक डिस्क में, तो कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क मिलेगी। और मैं पीता है, मैं पीता है इससे हो गया मायोपिया, तो यहाँ पे एक्जियल मायोपिया मिलेगा। और इसके साथ साथ ये आप याद कर सकते हो कि वो पी रहा है लंबे मोटे आंसू कप में, तो वो कप को हिला हिला कर पी रहा है, कप को हिला हिला के पी रहा है मतलब वाइब्रेशन कर रहा है, तो वाइब्रेशन हो रहे हैं आयरिस में, आयरिस में वाइब्रेशन, इसका मतलब हो गया इरिडोडोनेसिस। तो आयरिस का हम रख सकते हैं कि आयरिस में हो रहा है इरिडोडोनेसिस हो सकता है, और इसके साथ ही फ्लैट लेंस हो सकता है। ये हो गए आपके कॉर्नियल फीचर, सॉरी क्लिनिकल फीचर। नेक्स्ट इसका एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में हम कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल हम गॉड से प्रे कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन गॉड से प्रे करेंगे, जी से हो गया जेनियोस्कोपिक फोर एंटीरियर चैम्बर, ओ से हो गया ऑप्थेल्मोस्कोपी ऑप्टिक डिस्क देखेंगे इससे, डी से हो गया डायमीटर, डायमीटर ऑफ कॉर्निया देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉर्नियल इनलार्जमेंट था,
कैलिपर से इसका डायमीटर देख लेंगे अपन। एस से हो गया स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, और पी से प्रेशर, तो आईओपी देख लेंगे हम इसका, टोनोमीटर से इसका मेजरमेंट कर लेंगे। और ट्रीटमेंट में मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं होता इसके लिए, अपन सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी से पहले अपन मेडिसिन दे सकते हैं जो इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करे, जैसे कि हाइपरोस्मेटिक एजेंट्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे कि एसिटाजोलेमाइड दे सकते हैं। सर्जरी, अब देखो इसकी ट्रीटमेंट में सर्जरी, सर्जरी में हम करते हैं जीआईएफ, जैसे इमेज और वीडियो होता है ऐसे ही आजकल जीआईएफ और चल रहा है ना, तो वो जीआईएफ। जी से हो गया ग्लोकोमा ड्रेनेज डिवाइस, आई से इंसीजनल, इंसीजनल में दो करेंगे, जेनियोटॉमी करेंगे एंड ट्रेविकुलोटॉमी करेंगे, और एफ से हो गया फिल्ट्रेशन सर्जरी। इसके लिए आप थोड़ी बुक की हेल्प ले सकते हो। थैंक्स दोस्तों, एंड प्लीज टेल मी शुड आई कंटिन्यू दिस,